Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज ऐसा रोल मैंने कभी नहीं किया है. लास्ट टू लास्ट शो जो था मेरा तेरे शहर में, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था सीधी साधी सी लड़की थी कंगना, लेकिन रात को वो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है तो रात को वो बन जाती है, कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा एक सेकेंड, लेकिन वो बहुत मॉडर्न बन जाती है. उसके कपड़े, उसका बोलचाल बहुत अलग होता है, ड्रिंक भी करती है, पब्स में भी जाती है, तो वो था. लेकिन फिर भी वो एक दायरे में था. यहाँ पे कम्प्लीटली मुझे लिबर्टी मिली है, मैं जैसा बात करना चाहूँ. एंड सिंस आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो मेरे लिए वो एक मुंबईया डायलेक्ट लाना बहुत आसान है, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में अगर लिख के नहीं भी आ रहा है तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको अपने तरीके से प्ले करूँ. एंड मैं लाइफ में पहली बार अपने 7 साल के करियर में एक बार डांसर प्ले कर रही हूँ, बट ऑब्वियसली वो रिवील हो जाएगा कि आई एम अ कॉप. एंड उसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं, तो मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं है. तो जब नामकरण की तरफ से मुझे ऐसी ऑफर आई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, लेट्स डू इट एंड लेट्स सी वेयर इट गोज. अच्छा, बात मुश्किल है कॉप प्ले करना? इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज एक थोड़ा सा सटल सटल वे में बात कर रही हूँ एंड कॉर्पोरेट जैसा लुक है. यूनिफॉर्म वाले इंस्पेक्टर नहीं है, बट पहना है पैंट और शर्ट एंड तो बात करने का स्टाइल बहुत नॉर्मल जैसे हम बात कर रहे हैं. बट ऑब्वियसली आई थिंक योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट हाँ, बार डांसर प्ले करना बहुत डिफिकल्ट है. उससे भी डिफिकल्ट एक मैं बीच में एक साउथ इंडियन भी प्ले करने वाली हूँ, वो है बिकॉज वो मुझे आ ही नहीं रहा था. इवन सेट पे जब मैं शूट कर रही थी तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि वो साउथ इंडियन एक्सेंट में कैसे बोलते हैं. तो मैंने पड़ोसन फिल्म में महमूद जी के कुछ सीन्स देखे यूट्यूब पे और मैंने सोचा कि अगर इसका 1% भी अगर मैं कर जाऊँ तो शायद ये सीन ठीक ठाक निकल जाएगा, जो कि ठीक है. आई थिंक आई मैनेज टू डू इट, बट लेट्स सी नाउ, इट्स अप टू द ऑडियंस टू डिसाइड. जब से आप आई हैं, हाँ, बहुत धमाके हो रहे हैं. दूसरी बात में अपनी की लाइफ में धमाके हो रहे हैं, देखो मुझे पता है, मैंने भी मेन लीड्स किए हुए हैं इन टीवी शोज, तो मुझे पता है धमाके किसी के आने से नहीं होते. लीड लड़की के लिए धमाके धमाके ही होते हैं और वो हर एपिसोड में होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू. सो या मैं भी एक वन ऑफ द धमाकाज ही हूँ शायद सीरियल के लिए, नॉट फॉर हर बिकॉज शी नोज़ माई असलियत एंड शी एंड नील दोनों इन्वॉल्व हैं. मैं इन्वॉल्व हूँ इनफैक्ट उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स सी, ये धमाका धमाका ही रहता है या ये धमाका सब चीज़ों को शांत करने के लिए आया है.